हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी के सामने आज जो है मेरे साथ दिख रही है, भैया मैं लाइमलाइट में नहीं हूँ। लाइमलाइट में जो पर्सन है वो है युक्ति जैन, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट इन कॉमर्स। और ये जो है, वेलकम युक्ति टू जेआरएफ अड्डा एंड टू दिस इंटरव्यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू, फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। तो युक्ति, आज जो है तुमसे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे भाई तुम AIR 1 लेकर आई हो उल्टा, और साथ ही साथ Paper 1, मेनली हमारा फोकस रहेगा आज के इंटरव्यू का, Paper 1 की तैयारी कैसे करनी है, क्या फैक्टर्स हैं जो एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे। सो युक्ति, आप अपने बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को, हमारे एस्पिरेंट्स को। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएगा, वॉल्यूम थोड़ा। मास्टर्स के लिए मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है, एंड साथ ही साथ मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, 11th 12th क्लास के बच्चों को, एंड उनको मैं यही कॉमन के सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। और मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ वो देती ही है, जो सबसे मुझे पैशन है पढ़ाने का, इसलिए मैंने NHGRS को परस्यू किया था, क्योंकि बचपन से ही मुझे था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। ओके ओके, वेरी गुड। तो आप मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो? नो मैम, बैचलर्स। अच्छा, बैचलर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो, वाओ वाओ, वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए कि मतलब जब आपने तैयारी की तो जेआरएफ अड्डा से किस तरह से जुड़ गए आप? मैम, जेआरएफ अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट बहुत प्रोवाइड किया जाता है, तो जब मैं यूट्यूब सर्च करती थी तो मुझे वीडियोज मिलते थे। पर्सनली मुझे प्रॉब्लम आती थी सर्टेन यूनिट्स में, तो मैंने जब जेआरएफ अड्डा को देखा तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ गई। एक और पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो ट्रेंडी टॉपिक्स हैं, जो ट्रेंडिंग में आ रहा है, उसको अच्छे से कवर किया जाता है। तो जैसे जब मैं प्रैक्टिस करती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, तो मैं सर्च करती थी, तो सबसे पहले मुझे जेआरएफ अड्डा के वीडियोज मिल जाते थे, तो इसलिए मैं आपका देखती थी। ओके ओके, थैंक यू सो मच डियर। तुमने बताया कि तुम्हें कुछ यूनिट्स हार्ड लगते थे, एंड यस, कंटेंट वाइज जो है तुम्हें क्वालिटी मिली जेआरएफ अड्डा पे, अपग्रेडेड क्वालिटी मिली कंटेंट वाइज, थैंक यू सो मच। अदिति मैम भी ICT रिसर्च एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग का है, एंड यू सेड ऑल्सो इन द पास्ट की PD और हायर एजुकेशन में भी आपको बहुत हेल्प हुई। सो अच्छा, अब मेरा ये सवाल है आपसे कि युक्ति, कौन सा यूनिट तुमको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है Paper 1 में? मैम, चैलेंजिंग यूनिट की अगर बात करें तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का जो पार्ट रहता है वो बहुत वास्ट, वो कुछ भी आ सकता है, अनप्रिडिक्टेबल यूनिट होते हुए, तो हमारे पास इतना टाइम एंड एनर्जी नहीं है कि हम एक यूनिट को इतना डेवलप करें। तो उसका मुझे था कि सेलेक्टेड में कैसे करूँ कि मेरा जो पार्ट आता है वो कवर भी हो जाए और मैं लैस ना करूँ, तो यही मैं ढूंढ रही थी। एंड मुझे ट्रेंडी चीज़ें पढ़नी थी, ऐसा नहीं है कि पुराना बुक का पढ़ते ही बस हो गया, तो मैंने आपके वीडियोज रेफर किए थे जो ट्रेंडी टॉपिक थे, जैसे कुछ टॉपिक थे वो आने ही आने हैं, जैसे पॉल्यूटेंट्स हो गया, गैसेज हो गए आपके सारे, प्रोटोकॉल्स हो गए, ये आने ही आने हैं। अगर हम टारगेट करें तो 5 में से 3 क्वेश्चन तो ईजिली कवर हो ही जाते हैं अगर हम सेलेक्टेड टॉपिक वाइज स्टडी को करें, वरना इतना टाइम नहीं हम डिवोट कर सकते स्टूडेंट्स के लिए। एंड हायर एजुकेशन का भी सेम है, वो भी काफ़ी वास्ट रहता है, वो लोग कुछ भी पूछते हैं, तो मैंने आपका मतलब जेआरएफ अड्डा से भी कवर किया है वही ट्रेंडी टॉपिक। बाकी कम्युनिकेशन यूनिट जो है, पास्ट टेंस से अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन में भी काफ़ी वो लोग ट्रिकी क्वेश्चन पूछने लगे, तो मैंने आप ही के वीडियोज़ को रेफर किया, उन्हीं को समझा, एंड मुझे काफ़ी हेल्प मिला, क्योंकि आप जो एक कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप करना सिखा रहे हैं कि कैसे अप्रोच करना है। तो आई जब मैं कम्युनिकेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी वहाँ पे, तो मुझे आपका याद आया था कि मैम ने बोला था कि ऐसे करना, तो वो मेरे कम्युनिकेशन के सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। तुमने थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। लेकिन तुमने मुझे बताया ना, व्हाट स्कोर यू स्कोर्ड इन Paper 1, ये बताओ पहले ऑडियंस को।
मेरे 45 क्वेश्चंस करेक्ट है, एक उसमें से ड्रॉप हो गया है, तो अगर मार्क्स की बात करें तो 92 मार्क्स बनेगा। My God, 45 questions मान के चलते हैं ना, 45 questions मतलब आपके सही हुए, मतलब 90 marks you scored, अपने आप में बहुत बड़ी बात है युक्ति, you set an example to everyone, एक बार तुमने सेट कर दिया है, बोल सकते हैं हम लोग benchmark सेट कर दिया है कि अब भाई ये भी marks लेकर आना है ना। अच्छा युक्ति मुझे ये बताओ, तुम हो तो commerce की, तो I think you are very good in maths, isn't it? तो मैथ्स डीआई को कैसे किया तुमने, या मतलब तुमने किया सॉल्व या छोड़ दिया था उसको? युक्ति मतलब तुमको ये भी पता है कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे नहीं बने, इसी को बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस करना, दैट इज गुड। युक्ति युक्ति तुम्हारे पहले अटेम्प्ट में निकला है या? हाँ हाँ बोलिए। तुमने ना मुझे मेरी याद दिला दी, एक्चुअली में तुमने मेरी याद दिला दी मुझे, यही मैंने भी सोचा था जब मेरा JRF हुआ था, और मैं ये सबको बोलती हूँ अगर आज तुम्हारा नहीं होता है तो हो सकता है अगली बार में तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 आना है, इसीलिए शायद नहीं हुआ है, इजंट इट युक्ति? देखो यार युक्ति, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड JRF अड्डा इज प्राउड ऑफ यू, बिकॉज यू विद अ पार्ट ऑफ JRF अड्डा स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आप रही एंड वी आर वेरी ऑब्लाइज्ड, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं ये हमारी शान होते हैं, ठीक है। सो और कुछ अगर तुम एस्पिरेंट्स को देना चाहती हो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इन कॉमर्स ऑल्सो, क्योंकि कॉमर्स तुम्हारा पेपर 2 रहा है, तो कुछ देना चाहती हो पेपर 2 को लेकर, पेपर 1 को लेकर और टाइम मैनेजमेंट को लेकर कुछ बोलना चाहती हो तो ज़रूर बताएं आप। तो पेपर करना जरूरी है। मेरा अप्रोच ये था कि मैंने सब्जेक्ट को डिवाइड करा हुआ था, इजी मॉडरेट एंड हार्ड। तो मैं क्या करती थी कि जैसे अगर मैंने पेपर 1 का इजी सब्जेक्ट पिकअप किया, मेरे लिए यूनिट में इजी थी जो वो थे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, मेरे लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी था। तो मैंने अगर इजी यूनिट पिकअप किया है तो मैं कॉमर्स के साथ हार्ड यूनिट को कम करूँगी। अगर मैंने कॉमर्स का कुछ डिफिकल्ट यूनिट पिकअप किया है तो मैंने इजी यूनिट मतलब वैसे वाइस वर्सा किया है। एंड अनदर थिंग इज कि कुछ यूनिट से पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है, इनमें बहुत टाइम लगता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं इनको हमें 1 आवर रोज देना, जैसे 1 आवर में रोज PD पढ़ रही थी, हायर एजुकेशन पढ़ रही थी, क्लासेस वाइज आपको फॉलो कर रही थी। तो 1 मंथ में मैंने देखा कि मेरा मोस्टली कवर हो गया था, रिविजन भी मैंने ऐसे ही किया, लर्निंग काफ़ी ज़्यादा है उन लोगों यूनिट में, एंड हर चीज़ को याद रखना अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो रिविजन स्ट्रैटेजी भी बहुत जरूरी है। मेरा रिविजन स्ट्रैटेजी ये था कि अगर जैसे 1 वीक 6 डेज का मैंने टेस्ट किया है तो 7th डे में हर संडे में रिविजन करते हैं, एंड साथ ही में आई वॉज वर्किंग ऑल्सो, तो टाइम मैनेजमेंट हमें करना होगा। 7 to 8 hours आई वॉज वर्किंग, तो मैं सुबह के टाइम पे पेपर 1 करती थी, मेरे को रात में पढ़ना ज़्यादा सूट करता है, तो मैं रात के टाइम पे पेपर 2। गुड गुड, मतलब तुम्हारा ये कहना है, दो अगर मैं कंसोलिडेट करूँ सारी बातों को अगर, तो यही कहना चाह रहे हैं आपकी रिवीजन इज़ मस्ट, वीकेंड पे या संडे को जो हफ्ते भर का पढ़ा है वो आप रिवाइज करेंगे। देन वर्किंग लेडी हैं आप, और या फिर आप या कोई और डिग्री कर रहा हो तो उनके लिए सजेशन है दैट टेक टाइम एवरी डे, इज़न्ट इट? आपको हर रोज़ जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आज नहीं पढ़ा,
कंसिस्टेंसी बना के रखनी है ना। ठीक है युक्ति, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, इजंट इट युक्ति? तुम्हारा तो ग्रैंड सक्सेस हुआ है। चलो थैंक यू सो मच युक्ति, एंड थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। आई होप जो है हमारे एस्पिरेंट्स आने वाले जो हैं दिसंबर एग्जाम देने वाले, उनको आपका ये टिप्स जो है बहुत काम आएगा। आई एम जस्ट होपिंग इट, एंड ऐसे ही रिजल्ट और भी आते रहें। सो थैंक यू सो मच डियर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।